तमाम जो भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम बायो मॉलिक्यूल्स में कार्बन भी अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, या आप कहें कि तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन दोनों जरूर होंगे। चाहे आप प्रोटीन पढ़ें, चाहे आप लिपिड पढ़ें, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ें, चाहे आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ें, तो इन चारों के अंदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आप भले पढ़ें तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है, तो ये ऑक्सीजन भी ज्यादातर अवेलेबल होता है। मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये दो चीजें जरूरी होती हैं। नॉर्मली अगर हम सेल की बात करें परसेंटेज के लिहाज से ह्यूमन में, तो तकरीबन कार्बन 83.5% होता है और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की भी परसेंटेज दी गई है इस जगह पे 9.5% है आपके पास, और ऑक्सीजन कितना है बेटा 65% है, ये 6.5 नहीं है जो आपके पास लिखा गया है, 6.5 किताब में है, 6.5 इन्होंने पॉइंट मिस्टेक में दिया है, ये 65% है, 65% है इसकी। और उसके बाद जो दूसरे हैं वो तो ट्रेसेस में अवेलेबल है, नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन जो है 3.3% है इसकी। और उसके बाद जो है फास्फोरस है हमारे पास, तकरीबन इसकी परसेंटेज 1 है। और उसके बाद जो सल्फर है इसकी परसेंटेज तो नेग्लेजिबल है, 0.3% है। और अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, इसको भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है, मगर इसके बाद कुछ और चीजें भी आपके बुक के अंदर दी गई हैं जो आप देखते हैं। वाटर की सर, जो परसेंटेज होती है सिर्फ बैक्टीरिया कैल्शियम नहीं होता? जी बेटा, कैल्शियम नहीं होता है इनमें? होता है बिल्कुल, कैल्शियम होता है और चीजें, मगर मेन प्रोटोप्लाज्म के जो पार्ट्स हैं, चीजें हैं वो ये हैं, ओके सर, बाकी तमाम चीजें, जरूरी नहीं है कि कैल्शियम की परसेंटेज हर जानदार के अंदर इतनी हो, मगर ये चीजें जो अवेलेबल हैं 98% आपकी बॉडी इनसे ही बनी हुई होती है, बाकी दूसरी चीजें ट्रेसेस में पाई जाती हैं। ओके सर, और इसके बाद जो है हम मेमल्स की बात कर रहे हैं इस जगह पे, मेमल्स तो इनकी परसेंटेज भी आप देख लें, क्योंकि तो आपके बुक के अंदर दी गई है तो आपको इस चीज को देखना है, तो आप इस जगह पे देख लें ताकि ताकि हमें समझने में आसानी हो। फिर उसके बाद हमारी जान छूट जाएगी इस परसेंटेज से, 70% ये है और मेमल्स के अंदर भी 70% है वाटर। और प्रोटीन्स की परसेंटेज थोड़ी सी फ्लैक्चुएट करती है, प्रोटीन्स 15% हैं और हमारे पास 18% हैं। और उसके बाद जो लिपिड्स हैं बेटा, लिपिड्स की जो परसेंटेज है, लिपिड्स जो है वो तकरीबन 3% इधर होते हैं और 4% अपने पास पाए जाते हैं। और इसी तरीके से डीएनए की बात करें हम, तो डीएनए जो है 2% और 1% पाया जाता है, 1 नहीं 3। और आरएनए की हम बात करें तो इनमें 6% और हमारे पास 0.25% है। और अदर मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे हैं जो डिफरेंट थिंग्स हैं जो अवेलेबल हैं, मगर मेन एंड इम्पॉर्टेंट आर दिस वन जो हमें इस जगह पे डिस्कस भी करनी है। वाटर 70% है बैक्टीरिया में हमारे पास भी, मगर एक्यूरेट 70% नहीं है, जो इन्होंने परसेंटेज बस ऐसे लिख दिया इन्होंने, तो हमेशा रेंज होती है। जब भी आप केमिस्ट्री की टेस्ट करवाते हैं बेटा, बायो बायोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, आप लैब में जाते हैं, तो वहां पे कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि एक्यूरेट आपके इतने होने चाहिए, हमेशा वो रेंज बताते हैं कि 60 to 70% होने चाहिए तो ठीक है, या 10 to 15% हो तो फिर ठीक है, या 10 to 12% हो तो फिर ठीक है, तो मीन्स एक रेंज बताई जाती है। मगर हमारी बुक के अंदर जो है इन्होंने एग्जैक्ट 70% लिखा है, जो होता नहीं है। कुछ सेल हमारे जो है 60 to 70% होते हैं, कुछ सेल जो है 60 to 80% होते हैं, कुछ सेल तो ऐसे होते हैं जो 90% वाटर होता है उनमें, जैसे आपके न्यूरॉन्स हैं, 90% तक वाटर होता है, क्योंकि है ही वो कलस्टर ऑफ जो है फ्लूइड मटेरियल हैं या पानी से भरे हुए मटेरियल्स हैं,
और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर 25% जस्ट वाटर होता है, बोन्स हैं जैसे आपके, तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पानी की क्वांटिटी कम होती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम हमेशा रेंज बताते हैं, मगर क्योंकि आपकी बुक ने दिया है तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी और इन चीजों को समझना भी पड़ेगा। इस तरीके से मैंने अभी बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तमाम प्रोटीन्स के अंदर अवेलेबल होंगे। तमाम तमाम जो भी हैं, तमाम के तमाम प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन तमाम में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ये चारों चीजें जरूर अवेलेबल होंगी। और उसके बाद ये जो सल्फर है, ये सल्फर ज्यादातर जो है किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ अवेलेबल होता है। और उसके बाद जो एक और चीज है जो फास्फोरस है, ये बेटा न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है, H3PO4 की फॉर्म में, H3PO4 की फॉर्म में या लिपिड्स में पाया जाता है। कौन सा लिपिड, जिसको हम फास्फो लिपिड्स कहते हैं, और वो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। फास्फोलिपिड क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो बनाते हैं। और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये कार्बोहाइड्रेट में जरूर प्रेजेंट होंगे और नाइट्रोजन एब्सेंट होगा। कभी भी नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट के पास या साथ अवेलेबल नहीं होता, और ज्यादातर लिपिड्स में भी कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी, सॉरी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसके नाइट्रोजन की, और फास्फेट की भी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती। तो मींस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स ऑलमोस्ट, इनको हम नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, सल्फर, ये इस तरीके से हैं। अब हम आते हैं कि दो चीजें होती हैं, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल जो मैंने पहले बताया था और सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक का, सबसे छोटा जो है उसको आप नाम देंगे मोनोमर, और ये मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, पॉलीमर्स। सबसे छोटे मॉलिक्यूल को हम मोनोमर, इस चैप्टर में यही गेम है बस, आपको याद रखना है कि पॉलीमर किसका कौन सा है, कौन सी चीजें किसके अंदर है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। मोनोमर जो है, अगर आपको कहा जाए कि अमाइनो एसिड है तो आप कहेंगे कि ये अमाइनो एसिड सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स ही बना सकता है। क्या बना सकता है, प्रोटीन्स। आपको कहा जाए कि मोनोसेक्राइड्स हैं या ग्लूकोज है तो आप कहें कि ये मोनोसेक्राइड्स ये कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट के भी कुछ फॉर्म्स हैं वो बना सकते हैं, जिसके लिए आप पॉलीसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड्स का भी नाम दे सकते हैं, मगर सबसे बड़ी चेंज जो है किसकी होती है, पॉलीसेक्राइड्स की होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स हैं, इनको अगर मिलाते हैं हम तो क्या बनेगा, लिपिड्स बनेंगे। और एक और चीज, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स से क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। ये इस चैप्टर के अंदर सारी गेम इस चीज के ऊपर है कि प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो अमाइनो एसिड कैसे अरेंज ने, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो मोनोसेक्राइड्स कैसे अरेंज ने,
लिपिड्स पढ़ेंगे तो ग्लाइसरॉल फैटी एसिड किस में कितने किस तरीके से हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से अरेंज हैं या कौन सी चीजें हैं, किस चैप्टर के अंदर हमें ये चीजें पढ़नी है। तो अब हम आते हैं किसकी तरफ, हम आते हैं वाटर की तरफ, हम आते हैं कि वाटर है क्या, पानी क्या है, वाटर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन है, गुड। H2O कहा जाता है इसको, वाटर H2O है, H2O है तो इसके अंदर क्या है, टू हाइड्रोजन है एंड वन ऑक्सीजन अवेलेबल है इसके अंदर, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सिक्स्थ ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके वजह से माइनस टू वैलेंसी है। ऑक्सीजन के पास क्या वैलेंसी है बेटा, माइनस टू वैलेंसी है तो इस वजह से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एड हो जाता है जिसकी प्लस वन वैलेंसी है, तो मींस एक के पास दो हाइड्रोजन को कैरी करने की एबिलिटी है तो इस वजह से एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है दूसरे को। अब हाइड्रोजन आइंस जो है वो किसके साथ एडेड है, ऑक्सीजन के साथ एडेड है, ऑक्सीजन माइनस टू वैलेंसी है उसकी, माइनस टू वैलेंसी है और हाइड्रोजन जो है उसकी प्लस वन वैलेंसी है, तो मींस दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन चाहिए अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अब एक और चीज देखें बेटा, अब ये हाइड्रोजन जहां पे ये लगे हैं इनके बीच में जो एंगल बनी है वो एंगल कितनी बनेगी, 105 डिग्री की एंगल बनेगी। मींस नॉर्मली अगर आप देखें कि भाई कहीं पे जो है एक फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है तो एक तरफ जो है आप कौन सी चीज लगा दें, एक हाइड्रोजन लगा दें और दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन लगा दें तो दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनती है वो एंगल कितनी बनती है, 105 डिग्री की। एक ऑक्सीजन के साथ जो दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, आप इस बॉन्डिंग की जो आपस में एक जो एंगल बनती है वो एंगल कितनी है, 105 डिग्री, 105 डिग्री जो है एक एंगल बनती है इनके बीच में। और हम नाम देते हैं बेटा ये जो वाटर है, वाटर इज अ इनऑर्गेनिक मटेरियल। वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है, वाटर इज इनऑर्गेनिक, व्हाई, बिकॉज इट ओनली पजेस ऑक्सीजन बट डू नॉट पजेस, सॉरी इट ओनली पजेस हाइड्रोजन बट डू नॉट पजेस कार्बन, कार्बन इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट कार्बन इज एब्सेंट। तो हमने पढ़ा था कि ऐसी चीजें जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों अवेलेबल हों उसके लिए हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और इसके बाद जो है बेटा इसमें एक और चीज हम देखेंगे कि ये जो है पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर, पोलर किसको कहा जाता है, पोलर मीन्स स्लाइटली, सर जिसमें पॉजिटिव होते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं पाए जाएं, स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव होते हैं, चार्जेस हैं इसमें जी। इसमें स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस किसके पास हैं, हाइड्रोजन के पास, और नेगेटिव हाइड्रोजन के पास हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं बेटा वो किसके पास हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमें दोनों नजर आ रही होती हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। इट पजेस स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज्ड ऑक्सीजन अवेलेबल है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की अवेलेबिलिटी की वजह से हम कहते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस हैं इसके अंदर तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं,
डायपोल कहते हैं, डायपोल कहते हैं, क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन बिटवीन चार्जेस इज नॉन इज डायपोल. वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज इट पजेस स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस. और जिसमें स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस हों उनको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है. और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस वाली कंडीशन को नाम दिया जाता है कि ये डायपोल है. डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज डायपोल. पोलरिटी किसको कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस हों और डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस में, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये डायपोल है. बेटा वाटर बेस्ड सॉल्वेंट है. वाटर क्या है? वाटर इज बेस्ड सॉल्वेंट. वाटर इज बेस्ड सॉल्वेंट मीन्स पानी के अंदर ज्यादातर चीजें डिसोसिएट हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स. कौन सी है वो? सैंड, ऑयल, सैंड है जैसे, रेती है जैसे. ऑयल पानी के अंदर डालें तो जितना भी पेट्रोल करें मगर वो डिसॉल्व नहीं होगा. और इसी तरीके से लिपिड भी डिसॉल्व नहीं होते मगर नॉर्मली हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर एक्सेप्ट फ्यू, जैसे हमारे पास सैंड है. तो वाटर इज बेस्ड सॉल्वेंट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर या कहीं पे भी ज्यादातर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है. दुनिया में पानी जो है 75% वाटर है. 75% वाटर इन द वर्ल्ड अवेलेबल है. तो पानी का मेन काम क्या है? टू मेंटेन द टेम्परेचर. अगर जो है पानी अगर नहीं होता तो हम जल रहे होते इधर. मीन्स ये जो सूरज की तपश है या सूरज की जो गर्मी है उसको बर्दाश्त करने की जो एबिलिटी है जमीन के पास या सॉइल के ऊपर या आपके पास है वो इस पानी की वजह से है. क्योंकि पानी के ऊपर डायरेक्टली सूरज की रोशनी लगती है और वाटर वेपर्स बनते हैं और ये वाटर वेपर्स हवा में एवेपोरेट होते हैं, हवा को ठंडा कर देते हैं या बरसात बरसाते हैं और जिसकी वजह से आपका एनवायरमेंट पूरा ठंडा हो जाता है. फिर उसके बाद बारिश पड़ती है उसके ऊपर टेम्परेचर लगता रहता है, फिर वो वाटर वेपर्स टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं फिर हवा में चले जाते हैं. और इसी तरीके से आप गर्मी से बच रहे हैं तो बारिशें होने से ये होता है कि माहौल या एनवायरमेंट थोड़ा सा कूल डाउन रहता है क्योंकि जमीन के अंदर जो पानी है वो एवापोरेट हो रहा होता है और उसकी एवापोरेशन की वजह से आपको इतनी हीट नहीं मिलती, आपको इतनी गर्मी नहीं मिलती. मगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो ये हीट डायरेक्टली आप जो लिविंग बींग है उसके ऊपर ये जो है इफेक्ट कर रही होती है. तो इस तरीके से नॉर्मली हम कहते हैं कि जानदार जो है कॉमनली जानदार जो है वो कॉमनली सर्वाइव कर रहे हैं किसकी वजह से? इस वाटर की वजह से. वाटर इज बेस्ड सॉल्वेंट, पानी बेस्ड सॉल्वेंट है. और वाटर जो है बेटा एक नेचर है उसके पास, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर है. एम्फोटेरिक क्या है? वाटर इज एम्फोटेरिक या एम्फीटेरिक. एम्फी मीन्स बोथ because it carries both, like it can be an acid too and a base too. जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये एसिड की तरह हाइड्रोजन आयन रिलीज करवाता है और बेस की तरह OH आयन रिलीज करता है. मींस इट पजेस ड्यूअल प्रॉपर्टी, इज लाइक एसिड एज वेल एज बेस, बट इट इज नॉट एसिड एंड बेस. नहीं ये एसिड है नहीं बेस है, न्यूट्रल है ये. क्या है कि वाटर पजेस ड्यूअल
property is like acid produce hydrogen ion and is like base release OH ion. तो मीन्स जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे उसको आप एसिड कहते हैं और जो OH आयन रिलीज करे उसको आप बेस कहते हैं. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ब्रेक करें तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा या HCl है सॉरी या उसके बाद डिफरेंट टाइप के जैसे NaOH है आपका सोडियम जो हाइड्रोक्साइड पता नहीं क्या कहते हैं उसको. तो जो ज्यादातर जो है NaOH है इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो इसका OH आयन अलग हो जाता है और सोडियम अलग हो जाता है. तो ये अलग होने की वजह से आप कहते हैं कि ये बेस है. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है ये एसिड है. तो केमिस्ट्री में आपको सर वाले बताते हैं कि एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे और बेस वो है जो OH आयन रिलीज करे. मगर वाटर हाइड्रोजन आयन को भी रिलीज कर रहा है OH को भी तो ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे कंपाउंड जो दोनों चीजों को रिलीज कराएं तो उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं. एम्फोटेरिक कहते हैं एम्फोटेरिक कहा जाता है इनको. और उसके बाद वाटर वर्क इज लाइक बफर. वाटर क्या है एम्फोटेरिक है. वाटर क्या है बेटा एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक के बाद जो है बफर है. बफर हम उस चीज को कहते हैं जो पीएच मेंटेन करने में मदद करे. बफर किस चीज को कहा जाता है helping जो पीएच मेंटेन करने में मदद करे. पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मींस नॉर्मली आप देखें आपकी ब्लड में प्यास वाली कंडीशन हो या उसके बाद डायबिटिक पेशेंट बेचारा हो ग्लूकोज की जो है तादाद या क्वांटिटी बढ़ जाए ब्लड में फिर भी उसको प्यास लग रही होती है या आप कोई ऐसी एंटीबायोटिक दवाई वगैरह खा रहे होते हैं तो भी आपको प्यास लग रही होती है. तो प्यास लगने का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर नॉर्मली ब्लड के अंदर नॉर्मली जो है पानी की जरूरत पड़ती है. तो पानी के लिहाज से नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि पानी बॉडी के अंदर एम्फोटेरिक इस वजह से है बिकॉज इट हेल्प अस टू मेंटेन द बॉडी पीएच या किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करने के लिए हम बफर का वर्ड यूज करते हैं. तो वाटर क्या है बफर है. अब नॉर्मली देख लें आप कुछ चीजें देखें वाटर जो है इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पाया जाता है और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आयंस जो ऊपर लगे हुए हैं उनके बीच में जो एक बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड की जो एंगल है 105 डिग्री एंगल है और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. और उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये और पोलर मॉलिक्यूल है ये. इसमें स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस हैं और उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज अ डाइपोल. और वाटर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट. वाटर जो है बेहतरीन सॉल्वेंट है. ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें जो है उनको डिसॉल्व करता है डिसोसिएट करता है. और उसके बाद जो है वाटर हमें एम्फीटेरिक या एम्फोटेरिक नेचर में मिलता है. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि ये ड्यूअल प्रॉपर्टी है इसकी. जब ये ब्रेक होता है तो ये हाइड्रोजन आइन एसिड लाइक OH आयन इज बेस लाइक ये प्रोड्यूस करता है. और इसके बाद हमने पढ़ा कि बफर है इट ट्राई टू मेंटेन पीएच पीएच को मेंटेन करता है. और उसके बाद बेटा जो है वाटर के पास हाई वेपोराइजेशन पावर है. पानी में क्या है हाई वेपोराइजेशन एबिलिटी है. You know very well about the vapors. Vapors हम कहते हैं जब पानी को गर्म किया जाए तो उसके जो आबी बुखार निकलते हैं उसको हम vapors कहते हैं. Mean for example आप एक कंटेनर रखें ऐसे और उस कंटेनर के अंदर आप पानी रखें और इस पानी को आप गर्म करना शुरू करें
तो ये पानी के सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हवा में इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम नाम दे रहे हैं कि वाटर जो है इसके पास हाई वेपोराइजेशन पावर है। अगर आप इसको हीट अप करते जाएं, इसको गर्मी देते जाएं, तो ये इवेपोरेट हो जाएंगे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जो है पानी की भर के रखें और उसको गर्म करना शुरू कर दें, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे वो गर्म होते जाएंगे वाटर वेपर से इवेपोरेट होते जाएंगे, और कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि अल्टीमेटली उसके अंदर तो कुछ भी नहीं बचा। तो हाई वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि ज्यादा वेपर्स बनाने की सलाहियत है। और बेटा ये कि पानी के पास जो एबिलिटी है, पानी जो है पानी तीनों फॉर्म्स में आपको मिल रहा है, गैसियस फॉर्म में भी मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल रहा है और सॉलिड फॉर्म में भी। मगर वाटर हमें नॉर्मली जो है मेन जो चीज हमें मिलती है वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अगर आप उसको हीट अप करते हैं तो इट बिकम चेंज इनटू वेपर्स, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसको कूल डाउन करते हैं तो इट बिकम चेंज इनटू सॉलिड, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से पानी को अगर आप गर्म करें तो पानी गर्म होने से वेपर्स बनाता है, मीन्स हवा में चला जाता है, वेपराइज होता है, मीन्स एवापोरेट होता है। और अगर आप इसको ठंडा करें इट बिकम चेंज इनटू आइस क्रिस्टल्स आर वी कैन से द सॉलिड। बेटा जब हम उसको गर्म करते हैं तो एवापोरेट ही होता जाता है, और पानी कंटिन्यूसली जब एवापोरेट होता है तो पानी बचते ही नहीं है। देगची के अंदर आप पानी को गर्म करें तो ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म होने का मतलब ये होता है कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल। मगर एक चीज मुझे बताएं आप कि जब हम कपड़े धो के जो है रखते हैं तो क्या पानी जो है वो कपड़े जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं? नो सर, नहीं सर, एवोपरेट हो जाता है वो तो। हाँ, एवोपरेट हो जाता है उसमें जो पानी होता है। कपड़े अलग रहते हैं, कपड़े का जो धागा है वो अलग रहता है, और पानी के मॉलिक्यूल्स हवा में वेपर्स फॉर्म में एवापोरेट हो जाते हैं। तो इस वजह से जब हम कपड़े धो के जो है बाहर रखते हैं तो खुली जगह पे रखते हैं ताकि जल्द अज जल्द वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में धूप लगने की वजह से एवापोरेट हो जाएं, और कपड़े हमारे गीले जो हैं वो सूख जाएं। तो कपड़े अलग हो जाते हैं, मीन्स उसका जो धागा है उसमें से जो पानी है वो हवा में एवापोरेट होकर चला जाता है। तो इसी तरीके से वेपर्स बनाने की सलाहियत है किसको, वाटर मॉलिक। और यही रीजन है बेटा आपको टेम्परेचर मेंटेन करने में भी कोई दुश्वारी या परेशानी नहीं होती, बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि आप स्किन के ऊपर क्या बनाते हैं, स्वेट, पसीना, और अंदर से उसको हीट देते हैं या बाहर से उसको हीट मिलती है। जैसे ही आपकी स्किन को जो है हीट मिलती है तो वहां पे आपके स्किन के ऊपर मौजूद है वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें से बनता है क्या, वेपर बनते हैं, और ये वेपर्स जो है हवा में एवापोरेट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है नॉर्मली वेपोराइजेशन वाली कंडीशन जो होती है वो हमारे पास ट्रांसपेरेशन, सॉरी प्लांट में ट्रांसपेरेशन और हमारी बॉडी के अंदर एवापोरेशन वाला कंसेप्ट लाती है। और एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, कीप इन माइंड। आपकी बॉडी के ऊपर अगर कोई भी चीज एवापोरेशन हो तो आपको ठंड क्यों लग रही है? एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन बेटा कूलिंग प्रोसेस है, और एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, और इस तरीके से आप जो है चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर दो तीन चीजें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। एक आपका रह गया है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कोहेशन, एडेशन, ये दो चीजें स्पेशली तीन चीजें आपकी रह गई हैं जो कल इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ये पढ़ के ना बाकी आपके रह गया है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कोहेशन और एडेशन। पानी के लिहाज से हम कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। आज अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर हम लर्निंग कब से स्टार्ट करेंगे सारी? कौन सी चीज सर? लर्निंग नोट्स वगैरह से।